जो लोग कनाडा के सोच रहे हैं कि कहीं और छोटी प्रोविंस में चले जाएंगे, वहाँ के ड्राइविंग टेस्ट देके वहाँ का फुल क्लास लाइसेंस ले लेंगे और फिर ऑन्टेरियो में आके कन्वर्ट करवा लेंगे, ऐसा नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो एक अपडेट है, मैं रिसेंटली मूव हुआ हूँ ब्रिटिश कोलंबिया से ऑन्टेरियो। तो मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करवाना था फ्रॉम पीसी टू ऑन्टेरियो। नाउ कन्वर्ट करवाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे लॉ ऐसा है ऑल ओवर कनाडा कि आपका जो लाइसेंस होता है वो इशू होता है प्रोविंशियल लेवल पे। अगर आप किसी और प्रोविंस में विजिट कर रहे हो सो यू कैन ड्राइव अप टू 60 डेज, लेकिन अगर आप अपना रेजिडेंस मूव कर रहे हैं दैट मीन्स यू नीड टू गेट योर ड्राइविंग लाइसेंस ऑल्सो ट्रांसफर टू दैट पर्टिकुलर प्रोविंस। इसके लिए आपको 60 डेज दिए जाते हैं करने के लिए। तो यही वीडियो में मैं बात करूंगा कि मैंने अपना प्रोविंस लाइसेंस कन्वर्ट करवाने की कोशिश करी लेकिन मैंने ऑन्टेरियो लाइसेंस को रिफ्यूज कर दिया। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि गवर्नमेंट काम कहीं का भी हो, कोई सी भी कंट्री का हो, कुछ भी हो, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसमें टाइम लगता है और कुछ क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, और ऐसा मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है कि एक फर्स्ट ट्राई में वो चीज़ बड़ी स्मूथली हो सके। तो जैसा मैं ऑन्टेरियो में मूव हो गया हूँ, इट्स बीन अ मंथ के मैं वैंकूवर से टोरंटो शिफ्ट हो गया हूँ बिकॉज ऑफ माय जॉब, और इसलिए मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स धीरे धीरे करके ट्रांजिशन करवाने थे फ्रॉम बीसी टू ऑन्टेरियो। और इसीलिए मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस मैंने जो कन्वर्ट करवाया था तो मैंने अच्छी खासी रिसर्च कर ली थी पहले उनकी वेबसाइट पे जो सर्विस ऑन्टेरियो है यहाँ पे, एंड फिर मैंने अपॉइंटमेंट लिया और मैं गया सर्विस ऑन्टेरियो जो डाउनटाउन टोरंटो के अंदर है, क्योंकि सिर्फ दो ही ब्रांचेज हैं सर्विस ऑन्टेरियो की जो ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करते हैं, वरना फिर यहाँ पे एक ड्राइव टेस्ट सेंटर करके कुछ है जो लोकल अथॉरिटी है ड्राइविंग लाइसेंस को कन्वर्ट जो करते हैं और जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू करते हैं। सो नियर टू माई प्लेस वॉज सर्विस ऑन्टेरियो इन डाउन टाउन टोरंटो। मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे अपना टोकन लिया एंड आई वेटेड फॉर ऑलमोस्ट 2 आवर्स, इतना लंबा क्यू था, वेट था वहाँ पे। और जब मेरी बारी आई तो फिर मैंने उनको अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्रेजेंट करा और मेरा पासपोर्ट भी मांगा तो वो भी प्रेजेंट करा। तो मेरे पास जो ब्रिटिश कोलंबिया में लाइसेंस है वो है क्लास 5 लाइसेंस। नाउ क्लास 5 लाइसेंस इज़ अ फुल प्रिविलेज लाइसेंस, मतलब उसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। बट अब मैं जब ये अपना लाइसेंस कन्वर्ट करवाने गया तो उन्होंने बोला वो मुझे ऑन्टेरियो में G2 लाइसेंस देंगे। नाउ G2 लाइसेंस इज 1 क्लास लोअर देन क्लास G। नाउ क्लास G इज इक्वलेंट टू क्लास 5, मतलब कि क्लास G आपका फुल प्रिविलेज लाइसेंस है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन जो मुझे ऑफर करा गया वो है कि मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर करना है, विच इज़ बाय लॉ आई न्यू अबाउट इट, एंड और मुझे G2 दिया जाएगा। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि मुझे G2 क्यों दिया जाएगा। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है कनाडा में इट इज़ लेस देन 2 ईयर्स मेरे फुल क्लास के ऊपर, और जबकि मेरे पास जो बीसी का लाइसेंस था उस पर ऑलरेडी 10 ईयर्स क्रेडिट हुए थे फ्रॉम माई होम कंट्री ड्राइविंग लाइसेंस। तो उन्होंने बोला कि आपको G2 लाइसेंस दिया जाएगा। फिर मैंने बोला अच्छा, इसके अंदर फिर क्या लिमिटेशंस है? माइंड यू, अगर आप G2 लाइसेंस एक्सेप्ट करते हैं इट इज़ नॉट अ फुल लाइसेंस, तो मतलब आप जब फ्यूचर में गाड़ी लेंगे तो आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो उन्होंने दो रेस्ट्रिक्शंस थी बेसिकली कि आप उतने ही लोग ड्राइव कर सकते हो एज अ पैसेंजर्स जितने आपकी वर्किंग सीट बेल्ट हैं, विच इज़ फाइन, उससे ज़्यादा आप ओवरलोड नहीं कर सकते। एंड सेकेंड कंडीशन इज यू कैन नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, विच इज़ ऑल्सो फाइन। बट मेन जो चीज़ आ रही थी वो आ रही थी मेरा एक इंश्योरेंस कॉस्ट। अगर मैं फ्यूचर में कोई कार ओन करता हूँ इन ऑन्टेरियो तो आई हैव टू एंड अप पेइंग अ हायर अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस कॉस्ट, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल बाई मी। और दूसरी बात ये भी है जो मुझे अनजस्टिफाइड लगा, वो है कि मैं आपको फुल क्लास लाइसेंस दे रहा हूँ, ओके, और वो भी कनाडा इशूड लाइसेंस दे रहा हूँ, और वो भी ब्रिटिश कोलंबिया का ड्राइविंग लाइसेंस दे रहा हूँ। ये भी नहीं है कोई वो ऐसी छोटी प्रोविंस का लाइसेंस है। तो ब्रिटिश कोलंबिया में भी अच्छा खासा रोड टेस्ट होता है, उधर भी प्रॉपर रेगुलर चेक्स होते हैं, प्रॉपर रोड्स होती हैं और प्रॉपर ड्राइविंग रेगुलेशंस के साथ ड्राइव करते हैं। तो ये नहीं है कि आप चीट करके कुछ पास कर गए और आप फिर ऑन्टेरियो जैसी प्रोविंस में आके आपने कन्वर्ट करवा लिया।
तो ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई कि अगर आप मेरा फुल लाइसेंस ले रहे हो देन यू शुड गिव मी समथिंग इक्विवेलेंट टू दैट ओनली। तो ये एक रीजन था मेरे पास कि मैंने उनका जो ऑन्टारियो G2 लाइसेंस है वो मैंने डिक्लाइन कर दिया। मैंने बोला नहीं इट्स ओके, आई वुड लाइक टू स्टिक टू माय BC लाइसेंस। लेकिन अब ये है कि ऑफकोर्स 60 डेज से ज़्यादा आप ड्राइव नहीं कर सकते, और मेरे को जो पूरे 2 साल हो रहे हैं मेरे ब्रिटिश कोलंबिया ड्राइविंग लाइसेंस में वो होंगे अप्रैल में। सो बेसिकली अंटिल अप्रैल आई नीड टू रिटेन माय BC क्लास 5 लाइसेंस, और फिर अप्रैल के बाद जाके मैं उसको डायरेक्टली विदाउट एनी रोड टेस्ट स्वॉप कर सकता हूँ। हाँ, अगर आप G2 एक्सेप्ट कर लेते हैं आपको 12 मंथ्स का मिनिमम वेट टाइम रहेगा, मतलब 12 मंथ्स आपको G2 पे ड्राइव करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको रोड टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे कुछ एक्सेप्टेबल नहीं लगी कि मतलब मैंने वहाँ पे भी रोड टेस्ट दिया, मैं यहाँ पे भी रोड टेस्ट दूँ, और जबकि इफ आई एम अ विजिटर इन ऑन्टेरियो तो आई कैन स्टिल ड्राइव ऑन माई क्लास 5 लाइसेंस, राइट? तो ये तो नहीं है ना कि कुछ नए लॉज आ रहे हैं यहाँ पे, इट इज़ द सेम ड्राइविंग रेगुलेशंस। जितना मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर करा है कुछ एड ऑन कुछ नहीं करा इन्होंने कि ब्रिटिश कोलंबिया में डिफरेंट ड्राइविंग लॉज हैं। सो दिस वाज द रीजन कि मैंने उनको डिक्लाइन करा है, और अब आई हैव टू होल्ड ऑन टू माय क्लास 5 लाइसेंस अंटिल अप्रैल, उसके बाद मुझे जाके इसको कन्वर्ट करवाना होगा। ऑल्सो मैंने एक पहले वीडियो भी बनाई थी कि मैंने क्लास 5 लाइसेंस कैसे लिया था, मैं उसका लिंक वीडियो के एंड में छोड़ दूंगा, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। एंड आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस कि आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करवाया था या G2 ही लिया था, कैसे भी था, जो भी कुछ क्वेरीज थी यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स, या फिर आप यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय इंस्टाग्राम, मैं उसका भी हैंडल वीडियो के लास्ट में ड्रॉप कर दूंगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव इट अ लाइक एंड डू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।